नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है धनतेरस का। सबसे पहले तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ये है वीडियो धनतेरस का, लेकिन एडिटिंग बहुत लेट हो रही है क्योंकि फेस्टिवल आते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है वीडियो एडिटिंग करने का, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन ये मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बना ली थी क्योंकि वही है, थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाते हो तो एक ब्लॉग बन ही जाता है। फिर वही है, कुछ ना डालने से तो कुछ बन जाए, जो कुछ बनता है वही शेयर कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैं कुछ घर की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, फ्लावर वगैरह जो गेट के लिए। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी राधा रानी। रिया बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मी मुझे राधा रानी चाहिए, राधा रानी चाहिए। लड्डू गोपाल जी तो है हमारे घर पे, सेवा करती है, रिया ही करती है, लेकिन उसको राधा रानी भी चाहिए थी। तो मुझे लगा फिर धनतेरस से अच्छा दिन और क्या हो सकता है, तो मैं धनतेरस वाले दिन ही जो है अपने घर राधा रानी जी को ले आई थी। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी दोनों हो गए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और रिया तो बिल्कुल खुशी हो गई थी। और ये देखिए, ये है शाम का टाइम, धनतेरस वाले दिन की वीडियो है ये भी। तो यहाँ पर मैं, मुझे बनानी थी मिठाई, तो दिवाली के त्यौहार पे तो सबसे ज़्यादा मिठाई बनती है। मुझे लगा कि बाहर से लाने से अच्छा है तो घर पे बना लेते हैं। वैसे तो बाहर से भी लेके आए थे और कुछ गिफ्ट में भी आई है मिठाई, तो बस फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत घर पर भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बनाए हैं मैंने लौकी के लड्डू और बिस्किट और मठरी। तो यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब रेसिपी मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर लड्डू तो मेरे बन गए थे, अभी जो है मैं बिस्किट बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने आटा लगा लिया था और ये आटा देखिए, ज़्यादा देर तक मतलब लगा के नहीं रखना है क्योंकि इसमें चीनी ऐड होती है तो बाद में पानी पानी सा हो जाता है, तो गीला आटा हो जाता है। तो जब भी आटा लगाते हैं तो ये तुरंत बना लो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बस मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि ये लो फ्लेम पर पकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि अगर हम तेज़ गैस रखेंगे तो वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है और हमारी मेहनत भी मतलब बेकार ही हो जाती है अगर खाने में अच्छा ना लगे तो। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है और तेज़ गैस नहीं करनी है, मतलब तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो जाए तभी हमें ये डाल देने। और ये देखिए, इसकी ये टेक्निक है कि ये जैसे ही पकते रहेंगे ऊपर आ जाएंगे उठ के, पहले नीचे जाएंगे, जैसे ही पकने शुरू हो जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो इससे पता चलता है कि हमारे बिस्किट जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ बन गए हैं और कुछ मैं बना रही हूँ, तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और घर पर बनी हुई मिठाई तो मतलब शुद्ध भी होती है और अच्छी भी रहती है, और बाहर की मिठाई मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बनानी होता है तो पता नहीं चलता क्या मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मट्ठी भी बना ली है, बिस्किट भी बना लिए हैं। उसके बाद मैं आई थी बालकनी में, तो ये देखिए, वैसे तो नवरात्रों से लोगों ने लड़ी वगैरह लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन दिवाली से 2-4 दिन पहले तो ये लगा लो, सबको मतलब सब लगा ही लेते हैं जिनको भी लगानी होती है। तो यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी सोसाइटी का व्यू। तो मैं यहाँ पर आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारी सोसाइटी का व्यू। और ये देखिए, ये है अगले दिन का वीडियो, यानी कि आज है छोटी दीपावली। तो छोटी दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग जो है 2 दिन का हो गया, धनतेरस का और छोटी दिवाली का। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा बिजी थी इस टाइम, मतलब इतने सारे काम हो गए थे क्योंकि कल शाम से हमारी तैयारी हो गई थी गाँव जाने की। तो छोटी दिवाली को ही हमें निकलना था, बड़ी दिवाली पर जो है पूजा पाठ करते हैं सुबह के टाइम, अपने देवी पितरों पर जो है जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो उसके लिए हमें छोटी दिवाली
वाले को ही निकलना था शाम के टाइम को, और अगले दिन जो है फिर वहाँ से पूजा पाठ करके फिर दोपहर में फिर वहाँ से निकलना था, क्योंकि फिर दिवाली की जो है पूजा हमें यहाँ पे भी आके करनी थी। तो बस वही है भागा दौड़ी वाला काम था। और फेस्टिवल के टाइम वैसे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, किचन के भी और मार्केट के भी, घर के भी, बच्चों के, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं इस दिन पूरा बिजी थी और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी बेसन के लड्डू, तो बस मैंने फटाफट से बनाए, घर के साफ सफाई की, बच्चों को तैयार किया, मैं इस टाइम लगी थी फटाफट से लड्डू बनाने के बाद गांव जाने की तैयारी में, पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो आप समझ सकते हैं इस टाइम मैं कितना बिजी थी। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी लड्डू, और यहाँ पर जो है मैंने सारी तैयारी कर ली थी, पैकिंग वगैरह भी हो गई थी, घर की क्लीनिंग हो गई थी, खाना वाना बन गया था। सुबह उठते तो फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि ये गए थे ड्यूटी, इनका आज हाफ डे है, तो मतलब क्योंकि गांव जाना है तो इसलिए दोपहर को ही आ जाएंगे। जब तक ये आएंगे तब तक मैं अपना घर का सारा काम कर लूँगी, बच्चों को तैयार कर दूँगी, खुद तैयार हो जाऊँगी, पैकिंग कर लूँगी, और ये लड्डू रह गए थे ये बना लूँगी। कुछ तो मैंने कल बना ली थी, बिस्किट वगैरह, मठरी वगैरह और लौकी की लड्डू बनाए थे, तो बस ये रह गए थे बेसन के लड्डू, और ये मैंने सोचा था कल फुर्सत में बनाऊंगी, लेकिन आज जो है बहुत ही जल्दबाजी में मैंने बनाए हैं। तो फाइनली ये है, मैंने सारी जो मिठाई सोची थी वो मैंने सारी बना ली है। तो यहाँ पे ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं।